हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ऐसी वीडियो मेरे चैनल पे पहली बार आ रही है, तो मैं कुछ करने वाली हूँ कुरफात पता नहीं क्या। तो मेरा ये नया वैक्स हीटर आया है और ये बहुत क्यूट है देखने में। देखो इसको, इतना सुंदर है, इतना क्यूट है। तो इतना क्यूट है ये। तो अभी क्या हो रहा ना, मेरे को अभी कॉफ़ी पीने का मन हो रहा और मैं बाहर से नहीं लाऊंगी, तो आप समझो कि मैं क्या करने हूँ। नहीं तो मैं आज सोच रही हूँ इसमें कॉफी बनाती हूँ, क्योंकि क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? क्योंकि ये नया है, अभी यूज नहीं हुआ है, और देखते हैं इसमें दाल के दूध गर्म होता है क्या, मतलब मिल्क बॉयल हो रहा है क्या, और कॉफी बन जाती है और मैं पी लेती हूँ। अगर आपको ये सब देखना है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो कॉफी बनाने के लिए हमको दूध चाहिए, चीनी चाहिए और कॉफी पाउडर चाहिए। चलिए सबसे पहले जाकर दूध लेके आते हैं और चीनी लेके आते हैं। कॉफी पाउडर मेरे पास पड़ा हुआ है और बनाते हैं वैक्स हीटर में कॉफी। तो मैं दूध और चीनी लेके आ गई और मुझे दुकान वाले अंकल पूछ रहे थे कि तुम्हारे पास स्टोव है क्या यहाँ पे चाय बनाने के लिए। मैंने हाँ बोला है। तो चलिए एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। तो पहले सब कुछ अरेंज मैं इधर ही कर लेती हूँ। तो ये रहा हमारा वो टब, इसको हम थोड़ा वॉश कर लेते हैं पानी डाल के। इसके अंदर डालते हैं हम मिल्क। ओहो, देखते हैं क्या होता है, मिल्क वाला वैक्स बनेगा या कॉफी बनेगी। अरे कैमरे में इसकी लाइट ब्लिंक हो रही, पर वहां पे तो ब्लिंक नहीं हो रही, मेरे को सामने से ब्लिंकिंग नहीं दिख रही है। के करते हैं हाई पे, यहाँ है हाई, और इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर गर्म होने के लिए और इसको हम ढक भी देते हैं। क्या लग रहा है, हमको कॉफी मिलेगी या मेरा वैक्स हीटर खराब होगा, आपको क्या लग रहा है? चलिए हम वेट करते हैं रिजल्ट का। मुझे इसमें से कुछ बर्न होने की स्मेल आ रही है, जैसा प्लास्टिक जलने के बाद जो स्मेल आती है ना, वैसी स्मेल आ रही है मुझे यहाँ से। फिर भी मैं रिस्क लूँगी, फिर भी मैं आज ठंडी या गर्म कोई तो कॉफ़ी पीऊँगी। तो 5 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं दूध को, दूध की क्या हालत है। मैं बार बार इधर इसलिए दिख रही हूँ कि कोई आ रहा है, कि कोई कस्टमर ना आ जाए मैं ये काम करते करते। तो चलिए अभी मिल्क को देखते हैं कि कैसा है वो। ये रहा हमारा मिल्क। ये क्या, अभी तक तो इसका बर्तन भी गर्म नहीं हुआ। A few moments later. I think इसको बहुत टाइम लगने वाला है गर्म होने में, अभी तक कुछ भी गर्म नहीं हुआ कुछ भी। ये और ठंडा हो गया वो, क्योंकि वो फ्रिज से निकाला हुआ मिल्क पैकेट था, तो वो यूटेंसिल्स और ठंडा हो गया, गर्म ही नहीं हुआ है। देखते हैं क्या होता है आगे। 2000 years later. तो गाइस अभी 20 मिनट हो गया है और देखते हैं अभी इसका क्या है कंडीशन। थोड़ा गर्म तो लग रहा है मुझे पॉट, पर दूध में कोई चेंज नहीं आया है, वैसे का वैसा ही है। तो अच्छा खासा गर्म लग रहा है मुझे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मिल जाएगा हमको चाय या कॉफ़ी पीने को उसमें। तो देखते हैं, वेट करते हैं और थोड़ी देर। ऑलरेडी 20 मिनट्स हो चुके हैं, आई थिंक और 20 मिनट्स लगेंगे उसको अच्छे से गर्म होने में। और ये मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे करना था क्योंकि मैं कॉफ़ी लेके भी पी सकती थी, पर मुझे ये ट्राई करना था इसलिए मैंने ऐसा किया। One eternity later. तो गाइस अभी आधे घंटे हो गए हैं और हम फिर इसको चेक करने आ गए हैं और ये अच्छा खासा गर्म हो गया है, पर आई थिंक ये बॉयल नहीं होगा। इसके ऊपर स्मोक भी आ चुका है और ये अच्छा खासा गर्म हो गया है, पर आई डोंट नो इससे ज़्यादा होगा या नहीं। और 5-10 मिनट छोड़ते हैं हम इसको, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो चलो गाइस, ऑलरेडी 1/2 आवर से भी ज़्यादा हो गया है, तो अब मैं इसको देखती हूँ कि ये क्या है, और इसकी कॉफ़ी तो बनेगी ही बनेगी अब। ओके,
तो यहाँ पे बन के रेडी हो गई है मेरी वैक्स हीटर वाली कॉफी, और इसका कलर वगैरह बाकी सब अच्छा लग रहा है। देखो जरा, ठीक है, कलर वगैरह तो अच्छा लग रहा, स्मेल भी अच्छी आ रही कॉफी की। अब इसको पी के टेस्ट करके देखते हैं कैसा है, और कौन कौन ये सारा कुरफा किया है वो भी कमेंट में बताना पड़ा, कमेंट करके बताना। और कौन कौन इसको देखने के बाद ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है वैक्स हीटर में कॉफ़ी बनाने वाला, वो भी मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, और मैं इसका टेस्ट भी आपको भी बताऊँगा। और वाकई अच्छा खासा गर्म हो चुका है, क्योंकि मतलब बस उबला नहीं है दूध, गर्म अच्छे से हो गया है। बिरबल की खिचड़ी की तरह बनी है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है पर बन गया है, इमरजेंसी में हम पी सकते हैं। पर जब तक वैक्स हीटर नया है तभी तक उसको एक बार वैक्सिंग के लिए यूज़ कर लिए तो ये काम नहीं आता उससे, इससे बेस्ट है कि हम इलेक्ट्रिक केटल खरीद सकते हैं। पर मेरी कॉफ़ी स्पेशल है, वैक्स हीटर वाली कॉफ़ी। चलो पानी पी लें। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अच्छी लग रही, अच्छी खासी कॉफी का टेस्ट आ रहा, कॉफी की तरह लग रही। दूध थोड़ा पका नहीं है, बाकी सब ठीक है, कॉफी अच्छी लगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे सारे कुरफाती आइडियाज़, वीडियो के आइडिया आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ अगर आपको ऐसे सारे वीडियोस कुछ देखने हैं तो। तब तक मैं पीती हूँ अपनी कॉफ़ी, थैंक यू।